सूरत टेक्सटाइल में लगभग 70,000 व्यापारियों की दुकानें, उसमें जो भी आह्वान हुआ है राम मंदिर का, जो चल रहा है एक रोंगटे खड़े होने वाला प्रोग्राम चल रहा है, इसी के अंतर्गत टेक्सटाइल की नगरी में मिलेनियम वन यानी पूरे टेक्सटाइल का राजा मिलेनियम वन है, वहाँ पर भव्य दरबार जैसा पूरे मार्केट को सजाया गया है। मार्केट में रोज़ लोग एक ही भावना से आते हैं, अभी व्यापार की तरफ ध्यान ही नहीं है किसी का, क्या व्यापार हो रहा है। यहाँ पर मार्केट के सजाने के अलावा पूरा सब जगह झंडे, बैनर, राम धुन, रात को रोज़ शाम को राम धुन चलती है श्री भाटिया जी के दुकान के बाहर। और 22 तारीख को यहाँ महाप्रसादी का आयोजन भी अपने ही एक मित्र के द्वारा किया गया है। उसके अलावा उस दिन यहाँ सुंदरकांड का प्रोग्राम भी मिलेनियम मार्केट वन, ये सारा काम फोस्टा के तत्वाधान में ही मिलेनियम मार्केट वन कर रहा है खुद। मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट के हम व्यापारी सब मिलकर बहुत अच्छा यहाँ पे राम मंदिर पुरक्ष में अरेंजमेंट किया है, बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है यहाँ पे, और 22 तारीख को बहुत अच्छा प्रसाद का अरेंजमेंट किया है हम लोगों ने। कृपया बात करें, मिलेनियम मार्केट में राम दरबार और हनुमान जी महाराज का विराजमान हुआ है। 22 तारीख को भंडारा रूपी प्रसाद भी है और राम जी के हर्षोल्लास से आप लोग सभी सम्मिलित हो। हाँ, राम मंदिर के उपलक्ष्य में राम मंदिर के उद्घाटन पर पूरा मार्केट दुल्हन की तरह सजाया गया है। आप देख सकते हैं जगह 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 झंडे लगाए हैं, बैनर लगे हैं, सब दुकानों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। राम जन्मभूमि के लिए और जो यहाँ पे पूरा मार्केट कैसे बहुत अच्छी तरह सजाया गया है, और यहाँ पे हमने जो 22 तारीख को यहाँ पे दोपहर को पूरा LED 15x12 का LED लगा दिया है, और यहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था भी की हुई है, और ये बहुत अच्छी तरह सजाया गया है। मार्केट में अभी लाइटिंग भी लग रही है इसके अंदर, और जो भी यहाँ पे आते हैं तो बहुत देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और आप भी जो जहाँ जगह पे रहते हैं आप भी इस तरह का जो माहौल बनाए और दीपावली जैसा माहौल होना चाहिए पूरे देश के अंदर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।